और बात भारतीय जनता पार्टी की करते हैं, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी का 40वां स्थापना दिवस है। भारतीय भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का स्थापना दिवस पर संदेश भी सामने आया। उन्होंने कहा सभी कार्यालयों और कार्यकर्ता अपने अपने घर पर फहराए ध्वज, कोरोना वायरस ध्वजारोहण के समय एक दूसरे से बनाए दूरी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर करें पुष्प अर्पित। कार्यकर्ता एक समय का भोजन त्याग कर लोगों की मदद करें, लॉकडाउन के दौरान कष्ट झेल रहे लोगों के प्रति व्यक्त करें सहानुभूति। हैशटैग फीड द निधि कार्यक्रम के तहत बांटे खाद्य सामग्री। अगले एक सप्ताह तक हर बूथ कार्यकर्ता को घर में बने मास्क दे, साथ ही मास्क के वीडियो सोशल मीडिया पर डालने की भी अपील। हर कार्यकर्ता 40 लोगों से 100 रुपए प्रति पीएम रिलीफ में कराए डोनेट। 40 घरों से संपर्क कर कोरोना वॉरियर्स के लिए भरवाए धन्यवाद पत्र। पुलिस, डॉक्टर्स, नर्स, सफाई कर्मचारियों, बैंक कर्मियों को दो धन्यवाद पत्र। पार्टी नेताओं के बारे में घर उपलब्ध साहित्य पढ़ने का संदेश। तो बीजेपी के 40वें स्थापना दिवस पर पीएम मोदी का ट्वीट भी सामने आया है। बीजेपी ने हमेशा सुशासन पर जोर दिया, देश कोरोना वायरस से लड़ रहा। बीजेपी कार्यकर्ताओं को निर्देश, सोशल डिस्टेंसिंग के तहत जरूरतमंदों की मदद करें, पार्टी अध्यक्ष के दिशा निर्देशों का पालन करें। तो एक तरफ जहां जेपी नड्डा ने तमाम बातें कही और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का भी ट्वीट सामने आया, जिन्होंने कहा कि ऐसे वक्त में 40वां स्थापना दिवस आया है जब देश कोविड-19 से लड़ रहा है। मैं कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूं कि पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के दिशा निर्देशों का पालन करें और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही जरूरतमंदों की मदद भी करें, एकजुट होकर भारत को कोविड-19 से मुक्त करें। ये प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट। बीजेपी कार्यकर्ताओं को निर्देश,